हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत ही जल्दी बनने वाली लेकिन बहुत ही टेस्टी चीज सैंडविच। और ये मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी आपको कि ये कैसे बनती है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले इस रेसिपी में मैं यूज करूंगी इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट चीज। तो मैंने ये चीज ली है और मैंने 4 चीज़ क्यूब्स इसमें यूज़ की है और जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, तो एक बाउल में थोड़ा सा ये पूरा मैं ले लूँगी चीज़ ग्रेटेड और थोड़ा सा बस बचा लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी प्याज जो मैंने बारीक काट ली है, आधा टमाटर और आधी शिमला मिर्च। चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है तो वो बात ध्यान दे के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच, 1/4 स्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाले में भी नमक होता है तो ये बात ध्यान देके आपको नमक ऐड करना है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर हमारा बन के रेडी है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप हरी मिर्च भी इसमें बारीक काट के ऐड कर सकते हैं और नमक आप चाहें तो इसमें स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि चाट मसाले और चीज़ में ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। और इसमें हम टमाटो केचप का भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी नमक होता है। अब ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर टमाटो केचप लेके फैला देंगे। अब ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है तो उस पर एक ब्रेड पे हम फैला लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए, अब इसको दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे हम। अब एक पैन पे हम बटर या घी कुछ भी लेके अप्लाई कर देंगे। अब ब्रेड स्लाइस को लेके जो मैंने तैयार की है इसको रख देंगे और इसको अच्छे से सेकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब दूसरी तरफ भी मैंने बटर अप्लाई कर लिया है तो इसको बहुत ही हल्के हाथों से हम पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब दूसरी तरफ से भी हम जेंटली इसको प्रेस करते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे जिससे चीज़ और सब्जियां अच्छे से पक जाएं। सो फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी चीज़ सैंडविच बन के रेडी है। अब मैं इसे कट करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है चीज़, इसमें कैसे मेल्ट हो रही है। सो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बाय।